नमस्कार, कन्या न्यूज चैनल और मैं आपके साथ सर्वे मिश्रा। केकड़ी जिले को यथावत रखने की मांग को लेकर आज बार एसोसिएशन द्वारा किए गए बंद के आह्वान को केकड़ी शहर वासियों का व्यापक समर्थन मिला। शहर के प्रतिष्ठान, दुकानें, मॉल, बस स्टैंड और मुख्य बाजार पूरी तरह बंद रहे। वकीलों ने राष्ट्रीय लोक अदालत का भी बहिष्कार किया, जिसके चलते दिन भर पक्षकार भटकते रहे। दूसरी तरफ जिला बचाओ संघर्ष समिति संयोजक राम अवतार सिखवाल और उनके समर्थकों द्वारा धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। केकड़ी में आज निजी स्कूल महाविद्यालय ने भी पूरी तरह से बंद का समर्थन किया। वहीं सरवाड़ बार एसोसिएशन ने भी बंद का समर्थन करते हुए न्याय कर स्थगित रखे और राष्ट्रीय लोक अदालत का भी बहिष्कार किया। धरना प्रदर्शन और बाजार बंद को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केकड़ी जिले को यथावत रखने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है, जिसके चलते लोगों ने स्वेच्छा से अपने अपने प्रतिष्ठान बंद किए। केकड़ी शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग सरकार के खिलाफ मुखर होने लगे हैं, जिसके चलते कलेक्टर के बाहर दिए जा रहे धरना प्रदर्शन में लोगों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे यह जन आंदोलन बनता जा रहा है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि सरकार का रुख स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बार एसोसिएशन ने कल भी न्याय कार्य स्थगित रखने और केकड़ी बंद का आह्वान किया है। केकड़ी में जिला बार एसोसिएशन ने राष्ट्रीय लोक अदालत का बहिष्कार करते हुए न्यायिक कार्य स्थगित कर केकड़ी बंद का आह्वान किया था। बंद को आम जनता का जोरदार समर्थन मिला, जिसके चलते केकड़ी शहर पूरी तरह बंद रहा। सुबह सुबह तो लोग चाय पानी नाश्ते के लिए तरस गए। मजदूर वर्ग के लोगों ने भी बंद को समर्थन दिया। मजदूरों का कहना था कि केकड़ी जिला रहना चाहिए ताकि आम आदमी को राहत और मजदूरों को रोजगार मिल सके। वकील सुबह 8 बजे कोर्ट परिसर से नारेबाजी करते हुए रवाना हुए, जो अजमेरी गेट, घंटाघर, सदर बाजार, खिड़की गेट और लोढ़ा चौक सहित प्रमुख क्षेत्र में पैदल मार्ग और वाहन रैली निकालकर अपना विरोध जताया। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिक भी इस पैदल मार्च में शामिल हुए और राजस्थान सरकार से केकड़ी जिले को यथावत रखने की मांग की। आक्रोशित लोगों का कहना था कि राजस्थान सरकार को बयान जारी करना चाहिए ताकि क्षेत्र के लोगों का संशय खत्म हो। उग्र लोगों ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर केकड़ी जिले से छेड़छाड़ की गई तो केकड़ी जिले में उग्र आंदोलन किया जाएगा। उपखंड कार्यालय में बार एसोसिएशन द्वारा दिए गए जा रहे धरने को संबोधित करते हुए पूर्व अध्यक्ष मदन गोपाल चौधरी, एडवोकेट चेतन धाबाई, अर्जुन सिंह शक्तावत, हेमंत जैन, दशरथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि केकड़ी जिले बनने के समय सभी मापदंड पूरे थे और आज भी सभी मापदंड पूरे हैं। इसके बावजूद सरकार का केकड़ी को जिला हटाने का विचार अनुचित है। वक्ताओं ने यह भी याद दिलाया कि जब केकड़ी को जिला बनाया गया था, लाखों हस्ताक्षरों के समर्थन के साथ मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया और जिला बनने के बाद जनता ने इस फैसले का स्वागत भी किया। बार एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर सरकार केकड़ी को जिला हटाने की दिशा में कोई कदम उठाती है तो आंदोलन उग्र रूप ले सकता है। केकड़ी जिले में 3 दिन से दिए जा रहे धरना प्रदर्शन और वकीलों द्वारा किए जा रहे आंदोलन सरकार को स्पष्ट संदेश देता है कि केकड़ी के नागरिक अपने जिले को बचाने के लिए एकजुट है और किसी भी कीमत पर अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। जिला हटने के चर्चाओं के बाद जहां जिला बार एसोसिएशन आंदोलनरत है और जिला बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारी धरने पर बैठे हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता चुप्पी साधे हुए हैं, जिसके चलते लोगों में उनके खिलाफ गहरा आक्रोश है। लोगों का कहना है कि जिले के मुद्दे पर चुप्पी साधने वाले शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के नेताओं को आने वाले पंचायत राज और निकाय चुनाव में सबक सिखाया जाएगा और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे लोगों को चुना जाएगा जो जनता के मुद्दे पर जनता के साथ खड़े हो। लोगों ने जिला बार एसोसिएशन और वकीलों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि वकीलों को वोट की जरूरत नहीं होती, इसके बावजूद आम जनता के लिए वकीलों ने आंदोलन की पहल की है जो सराहनीय है। केकड़ी जिले को यथावत रखने की मांग को लेकर शुरू किया गया आंदोलन अब गति पकड़ता जा रहा है। इसके चलते गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से जिले के पक्ष में आवाज उठने लगी है।
केकड़ी पंचायत समिति प्रधान होनहार सिंह और सावर पंचायत समिति प्रधान आशा देवी ने पहले ही केकड़ी जिले को यथावत रखने के लिए मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि केकड़ी जिले से राजस्थान सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त होता है और जिला स्तरीय सभी कार्यालय पहले से ही, ऐसे में सरकार को केकड़ी जिले से दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। केकड़ी जिला बचाओ अभियान का धरना आज तीसरे दिन भी जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर जारी रहा। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए जिन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। जिला हटता है तो लोगों को दैनिक कामकाज के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। संयोजक राम अवतार सिखवाल ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक प्रशासन हमारे मुद्दों को गंभीरता से नहीं लेता। उन्होंने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से जारी रहेगा, लेकिन सरकार को जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अभियान के अध्यक्ष रणजीत सिंह केसावत ने बताया कि यदि प्रशासन उनकी मांगों को नहीं मानता है तो आंदोलन को और भी व्यापक रूप दिया जाएगा। हम यहां केवल अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसे सफल बनाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। लोगों ने एक स्वर में कहा कि केकड़ी जिला बचाने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष द्वारा एक अखबार में न्यूज आई थी कि केकड़ी तथा राजस्थान में नए जिले जो बने हैं उनमें से कुछ जिले हटाए जाएंगे, जिनमें केकड़ी का भी नाम उन्होंने लिया था। इसको लेकर केकड़ी और केकड़ी की आम जनता में, केकड़ी संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में घोर आक्रोश है और उसी आक्रोश को लेकर केकड़ी जिला बार एसोसिएशन द्वारा केकड़ी बंद का आज का आह्वान रखा गया था, जिसपे सभी संगठनों ने, सभी संप्रदाय के व्यक्तियों ने पूरा सहयोग देते हुए केकड़ी बंद रखा है। और आज बार एसोसिएशन ने न्यायिक कार्य स्थगित रखने के दौरान जो लोक अदालत थी उनका भी बहिष्कार किया गया और आज लोक अदालत में भी किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ। मजिस्ट्रेट लोग सभी अपने अपने न्यायालयों में अकेले बैठे हैं, पक्षकार परेशान हो रहे हैं। आज जो इस सरकार द्वारा जो घोर अन्यायपूर्ण कार्य किया जा रहा है, ये जिला कांग्रेस का जिला नहीं है। आज तक जो भी सरकारें बनी, पूर्व जो चुनी हुई सरकारों ने जो निर्णय लिए, आने वाली जो अगर सरकारें बदली तो उन बदली हुई सरकारों ने जो पूर्व में किए गए सरकारों द्वारा निर्णय लिए गए थे उनको निरस्त कभी नहीं किया, न आज तक हुआ है। अगर इस प्रकार होता तो शिमला समझौता हुआ, ताशकंद समझौता हुआ जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, मोदी जी ने आज तक उसको निरस्त नहीं किया। क्योंकि मोदी जी एक अच्छे इंसान है, अनुभवी इंसान है, उनको पता है कि किस प्रकार जो पूर्व की सरकारों ने जनता के हित में और जनता के लाभ के लिए, जनता के हित के लिए जो निर्णय लिए गए उनको निरस्त नहीं किया। लेकिन आज जो ये भजनलाल सरकार है, ये एक अनुभवहीन सरकार मानता हूं मैं इसको, और ये अनुभवहीन सरकार और अनुभवहीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस प्रकार का जो अपना मंतव्य दिया है कि चुनी हुई सरकार द्वारा, पिछली सरकार गहलोत सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार थी, जिसने राम लुभाया कमेटी के अनुसार, राम लुभाया, मिस्टर राम लुभाया एक सीनियर आईएएस थे जिनकी कमेटी बनी थी, उसी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ये नए जिलों का गठन किया गया था। और इसी नए जिलों के गठन के बाद गहलोत सरकार में अपने अपने पदों पर हमारे यहाँ एसपी साहब बैठ गए थे, कलेक्टर साहब बैठ गए थे, इन कार्यालय खुल गए थे, कार्यालयों में विधिवत काम चलते हुए आज पूरा 1.5 साल हो गया है। और आज आप ये कह रहे हो कि साहब हम तो इसको जिले को वापस उपखंड में लाएंगे, तो साहब ये तो एक तरह से घोर अन्याय होगा। इसी प्रकार अगर पूर्व में जो की गई सरकारें हैं उन्होंने जो कार्य किए, उन्होंने आज तक आने वाली सरकारों ने कभी उसको मिसयूज नहीं किया, उनको निरस्त नहीं किया। जो घोषणा एक बार हो जाती है वो घोषणा ही रहती है। वो सरकार पूर्व में जो सरकार थी वो भी लोकतांत्रिक सरकार थी, ये आने वाली जो आज जो सरकार है वो भी लोकतांत्रिक सरकार है। बिसलपुर डैम बना था, माननीय हरदेव जी जोशी ने बनाया था, क्या वापस आने वाले भैरव सिंह जी ने उसको बिसलपुर डैम को हटा थोड़ी दिया था। इसीलिए मेरा निवेदन है कि माननीय भजन लाल जी एक नए हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनको जो अनुभव उन्हें पूरा नहीं है, तो उनको जो उनके सीनियर्स जो हैं उनसे अनुभव का लाभ लेना चाहिए। और अनुभव का लाभ लेने के बाद में इस तरह के जो ये छिछोरे काम नहीं करना चाहिए कि जो बार एसोसिएशन के तत्वाधान में आज जिला बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया गया है।
इस दौरान आज केकड़ी बंद का आह्वान किया गया सर्वसम्मति से। जिला बार एसोसिएशन ने शांतिपूर्वक केकड़ी बंद करवाया है और भजन लाल सरकार के द्वारा उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो बयान दिया गया है कि केकड़ी जिले को हटाया जाएगा, हम उसकी निंदा करते हैं। वर्तमान सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेती है तो बार एसोसिएशन केकड़ी द्वारा आगे भी बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा और इसको उग्र रूप दिया जाएगा। जय हिंद जय भारत। राजस्थान सरकार द्वारा जो जिला हटाने की बात को लेकर प्रदेश अध्यक्ष महोदय का जो बयान आया उससे केकड़ी बार एसोसिएशन ने संज्ञान लेते हुए केकड़ी को बंद कराया है और अगर यह सूचना जारी नहीं होगी तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा और कल से आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी बार एसोसिएशन के सानिध्य में और आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। जब तक जिले की घोषणा यथावत की नहीं आती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अपने भाषण में कहा था कि सांचौर और केकड़ी को तुष्टिकरण की राजनीति के तहत जिला बना दिया, ये बिल्कुल उन्होंने सरासर गलत कहा है। उन्होंने भूमिगत रिपोर्ट नहीं ली है केकड़ी जिले की। अगर उनको वास्तविकता और भूमिगत रिपोर्ट जाती तो भजन लाल जी को और वो प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल जी दोनों जिले को यथावत रखने के लिए बिल्कुल जो मतलब प्रकश प्रयास करते, उन्हें ये पता नहीं है कि केकड़ी के अंदर और राजस्थान की डबल ए श्रेणी की मंडी है और राजस्थान में सेकंड नंबर की मंडी केकड़ी में आती है। उसके अलावा यहाँ पर 115 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं और उसके अलावा यहाँ पर जो पाँच पंचायत समितियाँ हैं, 5 उपखंड है, 9 थाने हैं, जिला कलेक्टर का ऑफिस है, एसपी साहब का ऑफिस है, 2 एडीजे कोर्ट है, 2 एसीजीएम कोर्ट है, 1 मुंसिप कोर्ट है, 5 तहसील कार्यालय है, यहाँ पर स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, यहाँ पर आईटीआई है, यहाँ पर 3 नर्सिंग कॉलेज हैं जिसमें एक बीएससी नर्सिंग कॉलेज और एक होम्योपैथी कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, मिनी चिकित्सालय है, जिला चिकित्सालय है। केकड़ी के अंदर ऐसी क्या चीज नहीं है जिससे कि श्रीमान भजन लाल जी सरकार ये चाहते हैं कि केकड़ी को जिला हटा दिया जाए। कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केकड़ी बार एसोसिएशन के समस्त अभिभाषक गण बिना किसी राजनीति के न बीजेपी न कांग्रेस जनता को साथ लेके और इस जिले को यथावत रखने के लिए भरकस प्रयास करेंगे। इसके अलावा केकड़ी के अंदर उधर से चलो आप, केवाणिया विधानसभा क्षेत्र का पहला गाँव है, वहां से रामाड़िया माइंस है, इसके बाद में जो ये अपने फेल्सपार क्वार्ट्ज की माइंस है, भिड़ाई में माइंस है, अपने यहाँ जो मतलब बगेरा के अंदर माइंस है, सल्लारी में माइंस है, सावर में माइंस है, इसके अलावा बद्री की रॉयल्टी है। केकड़ी जिले से सरकार को इतना रेवेन्यू जाता है कि केकड़ी के रेवेन्यू से ही केकड़ी जिला चल सकता है। केकड़ी को कहीं पे भी सरकार के फंड की आवश्यकता नहीं है। केकड़ी के अंदर इतना रेवेन्यू है, केकड़ी के रेवेन्यू से तो अन्य जिले चलते हैं। यहाँ पर भजन लाल सरकार ने कहा कि साहब है जो मतलब यह जिला हटाया जाएगा, कतई नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि अगर जिला हटाया जाता है तो बिल्कुल केकड़ी की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ पर यह और बता देना चाहता हूँ मैं कि बिना किसी राजनीतिक पॉलिटिक्स के ये बिल्कुल केकड़ी के विकास के लिए जो मतलब ये आम सभा की गई है वकीलों द्वारा और आज पूरा केकड़ी बंद किया गया है, जो बिल्कुल बंद समर्थन पूर्ण रहा है। हमारा यही निवेदन है भजन लाल सरकार जी से कि केकड़ी को बिल्कुल यथावत जिला बनाए रखा जाना चाहिए, यह हमारा करबद्ध विनम्र निवेदन है। केकड़ी जिला बचाओ अभियान संचालित किया जा रहा है, हम सबका मकसद यही है कि केकड़ी जिला यथावत रहे, क्योंकि केकड़ी जिला यथावत रहने के कई फायदे हैं। यहाँ का आर्थिक विकास होगा, यहाँ पर संसाधनों का विकास होगा, दूसरा कि जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं प्रशासनिक स्तर पर उनका समाधान अतिशीघ्र होता जा रहा है और लोगों को इधर उधर भागना नहीं पड़ रहा है, जबकि हम देखते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था के चलते दूर जाना पड़ता है तो लोगों का पैसा खर्च होता है, समय खराब होता है और कई चीज़ों के लिए फिर लोग पीछे पड़ जाते हैं कि अब चलो हमारा काम नहीं होगा तो हम बैठ जाते हैं, फिर वो समस्याएं बढ़ जाती है। तो जिला रहने से लोगों की समस्याओं का समाधान भी होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ का आर्थिक विकास होगा, संसाधनों का विकास होगा, तो हम चाहते हैं कि जिला बना रहे। बन गया बड़ी मुश्किल से, जिला रहना चाहिए, किसानों को गरीबों को अजमेर जाना नहीं पड़ेगा, सब काम यहाँ अच्छे हो रहे हैं। अब पब्लिक केकड़ी की बेवकूफ होगी तो ये जिला जाएगा। रहने से तो बहुत फायदे हैं, हमारे बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जाएंगे और केकड़ी से एक शिक्षा ग्रहण करेंगे,
और किसानों लोगों को भी बहुत फायदा है और हमारा रिको इंडस्ट्रीज एरिया बड़ा होगा, यहाँ उद्योग धंधे बड़े खुलेंगे, केकड़ी जिला रहेगा तो, और हमारे को यहाँ पे अजमेर जाना नहीं पड़ेगा और हर शिक्षा का समाधान केकड़ी यहीं पे स्थानीय जिला में हो जाएगा, वरना अपने को 10 चक्कर अजमेर के काटने पड़ेंगे, वो समस्या यहीं हल हो जाएगी। बहुत संघर्ष के बाद जिले की जो आपने उपलब्धि मिली है, जिले की सुविधा मिली है, एसपी कलेक्टर यहीं बैठेगा तो अजमेर जाने का अपने को जो चक्कर पड़ता है जाने का आने का, तो वो चक्कर मिट जाएगा अपना। और ये तो कैसे कहते हैं कि थाली में भोजन परोसा, और के भाई हम तो खाने तो नहीं देंगे, वो बात नहीं होनी चाहिए। जिला तो संघर्ष किया, संघर्ष जब तक मतलब ये स्थायी रूप से जिला यहाँ नहीं रहेगा तब तक संघर्ष हमारा जारी रहेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे किसी जिला। केकड़ी जिला बचाओ अभियान समिति की तरफ से आज ये धरने का तीसरा दिन है और केकड़ी में केकड़ी की जनता को आज फिर मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब एकजुट होकर अधिक से अधिक इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और केकड़ी जिला आपको भी बताता हूँ, कल की बात है, कल CET की जो परीक्षा थी उसका सेंटर जो केकड़ी के साथ ही ब्यावर जिला बना था वहाँ पे सेंटर मिला, टोंक में सेंटर मिला, अजमेर में सेंटर मिला, पर केकड़ी का सेंटर सरकार ने छीन लिया हमसे। तो ये हमारी कमजोरी है, हमारे जो ऊपर हमारे जिम्मेदार जो नेता है ऊपर और भी सरकार है, उन्होंने हमारा अधिकार छीना है, तो इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। जैसे इससे पहले जो RS की परीक्षा हुई थी वो हमारे केकड़ी में हुई थी, और जो लोग आपको गुमराह करते हैं आपके साथ जिला रहेगा तो ऐसे हो जाएगा, छापे पड़ेंगे, ये पड़ेंगे, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब से जिला बना है SP केकड़ी में बैठने लगे तब से कितना ही बड़ा मामला हो, चाहे हत्या का हो, कोई भी मामला कितना ही जटिल मामला हो, 72 घंटे के अंदर अंदर सारे मामलों का खुलासा हुआ है। आप RTI लगा के निकाल लेना, और जो हमारे जिला कलेक्टर है जो अपने पूरे राजस्थान में जो उनका सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें जो फाइल निस्तारण और जो जन सुनवाई का काम है उसमें टॉप 10 में हमारे जिला कलेक्टर आई है, मैं उनको बधाई देता हूँ। और सभी केकड़ी की जनता को कहता हूँ कि केकड़ी जिले को बचाने के लिए अपना तन मन धन और समय सब कुछ लगा दें, पर केकड़ी जिला रहना चाहिए।